मंडी जिला में जहरीली शराब मामले में पुलिस के हाथ एक और कामयाबी लगी है। ताजा मामले में शुक्रवार देर रात आबकारी विभाग की एक टीम ने सुंदरनगर स्थित एक लॉजिस्टिक स्टोर के गोदाम पर छापेमारी की, जहां से उन्होंने 1400 लीटर स्पिरिट के कंटेनर बरामद किए हैं। स्पिरिट की यह खेप 22 जनवरी को सुंदरनगर लॉजिस्टिक स्टोर के गोदाम में पहुंचे थे और उन्हें गोवा से अंबाला होते हुए सुंदरनगर पहुंचाया गया था। वहीं इसे हमीरपुर के रंगस में पहुंचाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही आबकारी एवं पुलिस विभाग ने छापेमारी कर इसे कब्जे में ले लिया। अभी जो है एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उन्होंने सस्पेक्टेड कुछ ड्रम सीज करें, जिसमें अल्कोहल को स्पिरिट या फिर अल्कोहल से रिलेटेड कोई लिक्विड है, जो पुलिस को उन्होंने एक इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। और हमारी टीम एक्साइज टीम के साथ जॉइंटली इस पर काम कर रही है और जैसे भी हालात बनेंगे फर्दर इस पर जो है कार्रवाई लीगली जो है हम आगे बढ़ाएंगे। कुल मिला के ये 10 कंटेनर्स बताए जा रहे हैं और इनकी कंटेनर्स की कैपेसिटी 1400 लीटर्स है और इन्हीं में ये सस्पेक्टेड जो लिक्विड है वो है। और फर्दर इसमें जो भी डिटेल्स आएंगी और एक्साइज विभाग के द्वारा जो जानकारी शेयर की जाएगी उस पर लीगल कार्रवाई हम एज पर लॉ करेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।